ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਚੜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਚੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਜਾਗੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਚੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ आजड़ी दे वलो इन बच्चों नू लेके की कहा गया आओ सुन दिया हूं हम बकरी चरा रहा ये चा चा कर तो डोल रहा जैसे बोला करना चा चा ना वो का या फिसाया कुछ ना ना इसकी मां वा कुछ ही ना हूं कुछ वो जंगली कुत्ता डोलता है हूं हमारे यहां बकरी बकरी मारता है ना प्राण मुख पर चढ़ जाओ जंगली कुत्ता उसका डर हमारे हमें लिया है कभी इस ना इन्हें मार दे छोटे छोटे बच्चा कुछ मलूख लगा इसलिए नो पता नहीं जी हमने किस चीज का है ये तो यार बताया जी ये जंगल में डुलता मिला हमने पहाड़ में हमने इसकी नूना पता किस चीज का बच्चा कहा है कहा ना है हम इनकी दया करके नहीं इस तरह से ले आए उथे ही आजड़ी दे वल्लों इन्हां बच्चियां नूं पालण दी खबर सुनन तों बाद जंगलात विभाग दे अधिकारी मौके ते पहुंचे अते उन्हां दे वल्लों की अगे दी कार्रवाई शुरू की गई आओ सुन दिया तो अभी तक तो इनकी आंख भी नहीं खुली है हो सकता है या एक या दो दिन के बच्चे ही हैं दो या तीन दिन के एक इनमें मेल है एक फीमेल है अभी तक तो ये ठीक है अभी इनको हम जंगल में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये अपनी माँ के साथ दोबारा से जुड़ जाए और इनकी माँ इनको लेने आ जाए पीछे भी देख रहे हैं ये अरावली क्षेत्र है बहुत हजारों साल पुरानी ये पहाड़ियाँ हैं और बिल्कुल ये गवाले हैं दोनों बकरियाँ चराते हैं ये चले गए थे इनको पता नहीं था और ये साथ ले आए इनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर इनको खा जाए इस तरह की कोई घटना हो जाए ये लेपर्ड नस्ल के तेंदुए के दो शावक हैं एक तीसरा शावक और भी जंगल में है इनके साथ का ये तीन बताए जा रहे हैं और रात में हमने ग्रामीणों को समझाया था बताया था उनको इनको हाथ नहीं लगाना है और इनको जो बकरियों का बाड़ा होता है जैसी हमें बताया गया था वन विभाग की फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कि भाई इस तरह से इनको एक तरह से ट्रीट करना है इनसे दूरी रखनी है तो हमने वो सारी सावधानियाँ बरती हैं और गुड़गांव से टीम आ रही है नूह से टीम आ रही है उन टीमों को अब गांव वालों के साथ हम इनको सौंप देंगे ताकि ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाए एक तरह से।